हेलो दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है हैबल्स का स्टैंड फ़ैन। तो ये स्टैंड फ़ैन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और इसका जो टोटल असेंबलिंग है वो भी आपको करके दिखाऊँगा, और ये कैसा इसका स्पीड ऑफ फ़ैन है और कितना ड्यूरेबिलिटी है, उस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस स्टैंड फ़ैन के काफ़ी फीचर्स मेंशन करने लायक हैं, जैसे कि स्विंग हो गया, या दूसरा इसका जो हेड है उसको आप टिल्ट कर सकता है अप और डाउन। उसके अलावा इसका जो स्टैंड है उसको आप अप डाउन कर सकते हैं, और इसका जो स्पीड है वो 3 लेवल्स का है, 1 में सबसे मिनिमम और 3 में सबसे हाईएस्ट। इसलिए मैं इसको अब असेंबल करके दिखा देता हूँ। तो इसके जो पार्ट्स हैं, अलग अलग इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक मोटर है और इसका एक स्टैंड है, और इसका जो कवर है दोनों साइड जो फैन है उसको कवर करने के लिए एक दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ मैं एक एक करके इसको निकाल के और फिर मैं आपको एक साथ रख के दिखाऊंगा कि इसके साथ क्या क्या पार्ट्स दिए गए हैं, और फिर इसको एक एक करके मैं असेंबल करूंगा। कि जैसे देखिए, ये इसका मोटर है, काफ़ी अच्छा पैकेजिंग और इसके साथ आया हुआ है। अब देखिए, एक लाइन में मैंने रख दिया है, बेस हो गया, फिर उसके बाद इसका जो फैन के साथ अपर पोर्शन, फिर लोअर पोर्शन, और फिर एक रॉड, फिर एक नीचे का बेस और एक मोटर, ये इसके सारे के सारे पार्ट्स हैं। तो चलिए अब इसको असेंबल करते हैं। तो जैसे देखिए, बेस को मैंने नीचे रख दिया है, तो बेस से ऊपर तक जाएंगे, बेस को नीचे रख के फिर उसके बाद उसके ऊपर जो स्टैंड है उसको फिक्स कर लेंगे। तो अब उसके ऊपर स्टैंड को स्क्रू करके फिट कर लिया है, और एक एडजस्टेबल है उसका जो नॉब है, वो एडजस्टेबल है, वो ऊपर नीचे कर सकता है उसको। और ये मोटर को फिट कर, ऊपर का जो मोटर है उसको फिट करने के लिए भी एक नॉब दिया हुआ है, और आप ये जो देख रहे हैं ये फैन का जो विंग्स है उसको फिट करने के लिए ये दिया हुआ है। तो चलिए अब मैं इसको फिट करके दिखाता हूँ। जैसे अब मैं फिट कर रहा हूँ, तो ये देखिए, पहले मैंने एक पीछे का पोर्शन के साथ इसको लगाने की कोशिश करी है, फिर उसके बाद फैन में लगाऊंगा। तो ये जैसे कि जो फैन है उसके अंदर एक भीतर में नॉच दिया हुआ है, जिसको जिसके ऊपर आपको फिट करना चाहिए उसको। और आप ये देखिए, ये पीछे का एक एक दिया हुआ है जिसको स्विंग स्टार्ट स्टॉप होता है, तो ये हो गया। और इसका जो पीछे का जो कवर है उसको फिट करने के लिए भी एक अच्छा सा ग्रुप दिया हुआ है, और इसका जो फ्रंट है उसको भी फिट करने के लिए कवर है, तो उसको दोनों को फिट करके आप फैन लगा देंगे। अब देखिए, अब ये फाइनल लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लुक भी आ रहा है और कलर भी काफ़ी आइवरी कलर का है। और अब देखिए, आराम से इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये देखिए चल रहा है, और इसका 3 बटन है स्पीड एडजस्ट करने के लिए। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए।